हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लव फॉर एवर में। और आज मैं आपके साथ आफ्टर वन किस का नोवा पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए जानकी नाइट शिफ्ट के साथ हम अपनी कहानी आगे शुरू करते हैं। मेरी नाइट शिफ्ट काफ़ी अच्छी चल रही है। देखने से लग रहा है वह लड़की अभी भी उस लड़के के प्यार को नहीं समझ पाई है। स्ट्रीट लैम्प के सामने वाले गेट पर लगे नोट को देखकर लग रहा है जैसे उसने उस लड़की को पाने के बाद में खोया है। मैं उस अनलक्की लड़के को बेस्ट विशेस देता हूँ, वह जल्द ही अपने प्यार से मिल जाए। उस नोट पर लिखा था, आई मिस यू, मैं तुम्हारे साथ बिताए हर पल को याद करता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इस नोट पर उसने अपना फ़ोन नंबर भी लिखा था। जान ने वह नंबर नोट कर लिया। जान उसे मैसेज करके उसके दर्द को दिलासा देना चाहता था। आखिरी गेट के नोट पर लिखा था, शायद तुम मुझे भूल गए हो। जान ने उस नोट पर लिखा, डोंट गिव अप, शायद वह लड़की तुम्हें माफ़ कर दे। जान घर जाकर बेड पे बैठा सोच रहा था, मुझे उस पुअर मैन के बारे में सोचकर बुरा लग रहा है। मैं उसे कुछ मैसेज लिखता हूँ, शायद उसे कुछ अच्छा महसूस हो। जान ने उस पुअर मैन को मैसेज लिखा और फिर सो गया। जान जब उठा तो उसे काफ़ी देर हो चुकी थी। वह जल्दी जल्दी नहाया और बिना नाश्ता किए घर से निकल गया। जान देखना चाह रहा था कि उस पुअर मैन ने उसके मैसेज का रिप्लाई किया है या नहीं, लेकिन जान ने देखा वह अपना फ़ोन घर ही भूल गया था। लेकिन वह मुझे रिप्लाई क्यों करेगा, वह तो मुझे जानता भी नहीं। जान आज म्यूजियम के बेसमेंट में काम कर रहा था क्योंकि उनका डायरेक्टर बीमार था और जान को उसके बदले का काम करना पड़ रहा था। लंच का समय था, तभी जान की सहयोगी अन्ना वहाँ आई। जान, तुम्हें कोई मिलने आया है। मैं उसका नाम बूझना भूल गई। जान जब ऊपर आया तो उसने देखा बांगीवो वहाँ पर खड़ा था। जान ने एक गहरी सांस ली और उसके पास आया। ईवो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। जब जान उसके पास आया तो ईवो ने कहा, क्या तुम मेरे साथ खाना खाने चलोगे? भले ही मैं उसे पसंद नहीं करता, मगर मैं उसके साथ डिनर के लिए मना नहीं कर सकता। रात का समय था, जान और ईवो एक साथ रेस्टोरेंट में बैठे थे और वेटर के खाना लाने का इंतज़ार कर रहे थे। जान बिना कुछ बात किए खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था। सेंग्यून तुम्हें माफ़ी मांगना चाहता है। रियली? मुझे तो नहीं लगता। नहीं, वह बहुत अच्छा इंसान है। उसके साथ कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही थी। उसे लगा कि आप उसका पीछा करने वालों में से एक हो। मुझे उसके लिए खेद है, लेकिन मुझे उससे क्या करना? कुछ नहीं, मैं केवल आपको इतना समझाना चाहता था कि वह आपको गलत समझ बैठा था। ओह, उसने मुझे दोबारा देखा था और वह फिर भी ऐसा कैसे समझ सकता है? आई नो, मैंने उसे समझाया था तो वह आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। ठीक है, उसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो अब इन बातों को भूल जाते हैं। नहीं जान, मुझे लगता है उसे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बांगीबो, तुम मुझे बो कहकर क्यों नहीं बुलाते? हाँ तो आप अपने दोस्त को कहना मैं उसका पीछा नहीं कर रहा था, और अपना दिमाग शांत रखे। उताव चढ़ाव तो चलते रहते हैं, दुनिया बहुत छोटी है। जान सोच रहा था, ऐसा कोई और भी था जो चाहता था कि मैं उसे बो कहकर पुकारूं। तभी वेटर खाना लेकर आया। हम दोनों ने शांति से बैठकर खाना खाया। मेरे पास बातें करने का समय नहीं था और बो या ईबो वह ज़्यादा बातें नहीं करता, लेकिन मैं देख रहा था वह ज़्यादा समय तक मेरी तरफ ही देखता रहता है। मुझे उसे देखकर एक बात तो महसूस हुई कि वह इतना भी इडियट नहीं है, वह काफ़ी अच्छा है। खाना खाने के बाद हम दोनों बर्फ़ में टहलने गए। जब मैं कमरा देखने आया था तो तुम वहाँ नहीं थे। हाँ, मैं विदेश गया था किसी काम के लिए। मैंने केवल 2 सप्ताह का प्लान बनाया था, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा हुआ जो वह 2 सप्ताह 4 में बदल गए। आई सी, मुझे लगता है तुम जिस तरह का काम करते हो, इस तरह के काम में कभी कभी इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। नहीं, यह पहली बार था। ओह, ठीक है ठीक है, कम से कम इस तरह के काम में विदेश में घूम भी सकते हो और वहाँ छुट्टियाँ भी काट सकते हो, यह तो अच्छी बात है ना? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने किसी से वादा किया था जो मैं पूरा नहीं कर सका। ओह ठीक है,
अगर तुम उस व्यक्ति को समझाओगे तो वह समझ जाएगा, उम्मीद करता हूँ। ज़रूर, और वैसे भी तुमने कहा था यह सब अनप्लानिंग था जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन अगर उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया तो वह तुम पर विश्वास क्यों नहीं करेगा। और इस तरह की बातों से तुम अपने छोटे से दिमाग को इतना परेशान मत करो, जाओ और उससे बात करो, देखोगे कि सब कुछ ठीक हो गया है। जान फिर से सोचने लगा, काश यह सब बातें बॉब भी सुन लेता ताकि उसे भी पता चल जाए कि मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं उससे नाराज भी नहीं होऊंगा अगर वह होनेस्टली मुझे सारी बात बता दे। उसे कहाँ इतना समय लग गया, काश मैं उससे फिर मिल पाता, काश मैं उसे फिर देख पाता। जान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ठीक है, कहो। मैं वो कुछ कहने ही वाला था तभी वैन के तीनों भाई वहाँ आ गए और उन्होंने दूर से ही जान को आवाज़ लगाई। तभी निंग खुशी खुशी दौड़कर आया और जान के गले लग गया। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा, इबो ने कहा और वहाँ से चला गया। मगर वह तो मुझसे कुछ कहना चाहता था, और वह निंग को इस तरह देखकर इतना उदास क्यों दिख रहा था। मैं कल जब हाइकुआन को लेसन देने जाऊँगा तो उससे पूछ लूँगा कि वह मुझसे क्या कहना चाहता था। जान जब घर पहुँचा तो उसने तुरंत अपना फ़ोन चेक किया, मगर उसके फ़ोन की बैटरी लो थी। आधे घंटे बाद जब जान ने अपना फ़ोन ऑन किया तो उसने देखा उसमें काफ़ी सारे मैसेज थे, जिसमें सबसे पहला मैसेज हाइकुआन का था जिन्होंने आज का लेसन पोस्टपोन करने के लिए लिखा था। दूसरा मैसेज जान की माँ का था जो जानना चाह रही थी कि वह कैसा है। तीसरा मैसेज जान की सिस्टर का था जिन्होंने लिखा था आजकल उनकी लिटिल प्रिंसेस रात को सोती कम खेलती ज़्यादा है। और फिर चौथा मैसेज उस पुअर मैन का था जिसने लिखा था, थैंक यू जान, मैं उससे मिलकर बात करूँगा। जान सोच रहा था, मैं आगे उसे कुछ नहीं लिख सकता, वैसे भी वह मुझे जानता भी नहीं है। ओह, मुझे पता है मुझे क्या लिखना है, जान ने लिखा, आप अपना बेस्ट देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक मिनट बाद मैसेज का रिप्लाई आया, मैंने कोशिश की लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। जान ने लिखा, हार मत मानो, उसे फिर से समझाओ, शायद वह जानती ही नहीं हो। फिर से रिप्लाई आया, मुझे उम्मीद है कि वह मुझे समझ जाए, मुझे उसकी बहुत याद आती है। जान ने लिखा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, मुझे पूरा यकीन है उसे भी तुम्हारी याद आती होगी। जवाब आया, मुझे नहीं पता, शायद मैं उसे जिस तरह से पसंद करता हूँ वह मुझे पसंद नहीं करता। जान का जवाब, तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो, मुझे यकीन है वह भी तुम्हें पसंद करता है। जवाब आया, क्या वह भी मुझसे प्यार करता होगा जैसे मैं उससे बहुत लंबे समय से करता हूँ। जान ने लिखा, तुम उसे कब से प्यार करते हो। जवाब आया, जब से मैंने उसे पहली बार यूनिवर्सिटी में देखा था। जान का दिल तो रोने लगा, ओ माय गॉड, इतना प्यार। जान ने लिखा, क्या वह जानता है। जवाब आया, अनफॉर्चुनेटली नहीं, उसने मुझे कभी नोटिस भी नहीं किया। जान ने पूछा, जब आपने उसे यह सब बताया था तो क्या हुआ था। जवाब आया, मुझे उम्मीद है कि मैं एक दिन उसे यह सब बताऊंगा। ओ माय हार्ट, तो तुम दोनों अभी साथ नहीं थे। जवाब आया, नहीं, लेकिन मैंने उसे किस किया था और उसने भी मुझे किस किया था। सच कहूँ तो मैं डर गया था कि वह मुझसे प्यार करता है या नहीं। ओ पुअर मैन, आपके नोटिस ने तो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आप दोनों कपल हो। जवाब आया, अनफॉर्चुनेटली नहीं, मुझे डर था कि कहीं वह मुझसे नाराज़ ना हो। मुझे यह जानने में काफ़ी लंबा समय लगा, वह मुझे देखना भी नहीं चाहता था। डैम इट, क्या यह वही इंसान है जिसके बारे में इबो बात कर रहा था। क्या यह इबो है। ओ शिट, ये इबो ही है। जान ने लिखा, क्या तुम इबो हो। जवाब आया, लेकिन मैं पसंद करता हूँ। गो टू हेल, मुझे पहले ही शहर से बाहर जाने वाली बातें बहुत जानी पहचानी लग रही थी। इबो ने लिखा, क्या आपको एहसास हुआ कि कोई और बात नहीं थी। जान ने लिखा, ठीक है, यह साफ पता चल रहा है कि यह सब काम की वजह से था। इबो ने लिखा, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से यह सब समझाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे खेद है, मुझे अभी ब्रेक पर जाना है, मुझे कुछ रातें शूटिंग करनी पड़ेगी, जल्द ही मिलते हैं।
चांद सोच रहा था, अजीब संयोग है, जो ईवो ने कहा वही सब मेरे और बॉब के साथ भी हुआ था। ईवो और बॉब के विचारों में बहुत ज़्यादा समानता है। क्या हुआ अगर दोनों एक ही व्यक्ति हुए? यह इतने दूर की कोड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं मिलाऊं दोनों में कितनी समानता है। बॉब जो चाहता था कि मैं उसे बॉब कहकर पुकारूं, और ईवो भी चाहता है कि मैं उसे बॉब कहकर पुकारूं। किसके बारे में जो कहानी थी और काम के बारे में जो बातें, क्या मेरा बॉब सच में ईवो के अलावा कोई नहीं है? अगर ऐसा है तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं हमेशा परेशान रहता था और बॉब से ईवो की शिकायतें करता था, लेकिन अगर सच में ईवो ही मेरा बॉब है तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? और वह भी जब मैं उसे बताता था कि रूम ढूंढते वक्त ईवो ने मुझसे किस तरह का व्यवहार किया, और वह जब भी कुछ कह सकता था जब मैंने उसे ईवो के बारे में इतना कुछ कहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ईवो मेरा बॉब नहीं है। मैं बेकार में ही अपना दिमाग ख़राब कर रहा हूँ। मानो अगर बॉब सच में ईवो ही हुआ तो यह मैं नहीं कर सकता। मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता। ईवो ने जो कल काले कपड़े पहने थे वह काफ़ी रहस्यमय थे, मगर वह तो उसने इसलिए पहने थे क्योंकि वह एक मेल मॉडल है और वह खुद को ज़्यादा कवर करना चाहता था। जान, ईवो के बारे में सोचना बंद करो। बॉब के बारे में भूल जाओ। ईवो तुम्हारा बॉब नहीं हो सकता, और बॉब तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता, तो उसके बारे में सोचना बंद करो और जाओ वह करो जो तुम्हें करना चाहिए। जाओ और जाकर सो जाओ। जान अपने बिस्तर पे गया और सोने की कोशिश करने लगा। जान काफ़ी थका हुआ था, मगर उसके विचार अभी भी थकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अभी भी ईवो और बॉब के बीच में समानता ढूंढ रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसे नींद आ गई। जान ने एक सपना देखा जहां वह कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसने खुद को एक बड़े से हॉल में पाया जिसके बहुत सारे गेट थे। वह अपनी आंटी को मैसेज कर रहा था, लेकिन मैसेज अपने आप ही सेंड हो गया, और जान ने खुद को मास्को में पाया, पर वह वहाँ पर बिल्कुल अकेला था। सब कुछ येलो कलर का जैसे विनाश की तरह लग रहा था। उस मैसेज के जवाब के बदले आंटी खुद उसके साथ थी, जिन्हें मरे बरसों हो गए थे। जान ने पूछा, क्या आपको पता है मैं यहाँ कैसे पहुँचा? उन्होंने कहा, तुम्हारा सपना तुम्हारे दिल और विचारों की तरह कंफ्यूज है। आंटी ने मुझे यू की तस्वीर दिखाते हुए कहा, तुम्हें इसके साथ शुरुआत करनी चाहिए। जान अचानक नींद से जाग गया। वह पूरी तरह पसीने में भीगा हुआ था और डरा हुआ भी। मेरी आंटी ने सही कहा, मुझे यू से बात करने का समय आ गया। इसके लिए फ्राइडे अच्छा होगा, म्यूजियम के काम के बाद और सुबह म्यूजियम जाने से पहले। जान ने यू को मैसेज करने के लिए फ़ोन उठाया, तभी उसने देखा, उसे ईवो का मैसेज मिला। क्या मैं तुम्हें लंच के लिए पिकअप कर सकता हूँ? हाँ ठीक है, मगर मुझे नहीं पता आज लंच के लिए मेरे पास कितना समय होगा, क्योंकि मुझे आज अपना काम ख़त्म करना है, जान ने मैसेज में लिखा। ईवो ने जवाब में लिखा, ठीक है तो मैं फिर खाने के लिए कुछ लाता हूँ। खाना खाएंगे और साथ में सैर पर जाएंगे। खाना और घूमना मुझे ऐसा नहीं लगता। चलो पहले खाना खा लेते हैं, अगर समय होगा तो टहल भी लेंगे। तुरंत जवाब आया, ठीक है तुम अपना वर्क कंप्लीट करो, मैं तुम्हें बाद में मिलूँगा। जान ने जवाब में लिखा, हम बाद में मिलते हैं, मुझे लगता है अभी तुम्हें थोड़ा और सोना चाहिए। तुम्हारी शूटिंग लंबी चलती है, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। फिर जान ने कार की तरफ दौड़ लगाई। जैसे ही कार में बैठा उसे याद आया, मुझे तो यू को मैसेज करना था। जान ने यू को मैसेज किया और गाड़ी स्टार्ट की। तभी यू का मैसेज आया, आज दोपहर मेरी शूटिंग है, इसलिए मैं नाश्ते के या लंच के वक्त ही मिल सकती हूँ। ये मॉडल और इनकी शूटिंग, चलो उम्मीद करता हूँ वह मुझे लंच के दौरान ना नज़र आए। मैं उसे और ईवो को मिलाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। या तो एक लंबी लड़ाई और फिर लेडीजों के चीखने चिल्लाने का कार्यक्रम चालू, और मैं नहीं चाहता कोई भी लेडीज ईवो से चिपके या उसे आई लव यू कहे। अगर मैं वहाँ नहीं हुआ तो ऐसा हो सकता है, मुझे ध्यान रखना होगा। म्यूजियम के बेसमेंट में आज मेरे साथ बाईसू भी काम कर रही थी। यू के लंच के समय आने वाली बात सोचकर जान अपना ध्यान काम में नहीं लगा पा रहा था। जान को खोया खोया देखकर बाईसू ने पूछा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है?
कुछ नहीं, मैंने यू के साथ ब्रेकअप करने का सोचा है। उसने कहा, या तो वह ब्रेकफास्ट के समय आएगी या फिर लंच के समय, लेकिन वह ब्रेकफास्ट के समय नहीं आई। मुझे लग रहा है अब वह लंच के समय आएगी, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? तुम लंच के समय उसके साथ ब्रेकअप कर लेना। नहीं, मेरे पास ईवो की भी लंच डेट है और वह भी यहाँ आना चाहता है। अगर यू ने मुझे और ईवो को एक साथ लंच करते देख लिया तो वह काफ़ी तनाव में आ जाएगी। लेकिन वह तो उसे जानती है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन जब भी हम दोनों मिलते थे तो अचानक बहस करने लगते थे। उसने लेडीजों के चीखने चिल्लाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया था क्योंकि उसने बहुत ज़ोर की ईवो का नाम पुकारा था। ओके, इससे मुझे भी परेशानी हुई थी। उसे उन लेडीज़ फैंस को फैंस की तरह ही यूज करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सच तो यह है कि वह उसके चारों तरफ घूमेंगी और अपने प्यार का इजहार करेंगी और उसे पसंद भी आएगा। वह कर सकता है, लेकिन मैं वहाँ नहीं रहने वाला। लगता है तुम्हें जलन हो रही है। किस पर? उन चीखती चिल्लाती आई लव यू बोलती भीड़ पर? नहीं, ईवो को लेकर, क्योंकि वह सब उससे प्यार करते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे लगता है तुम ईवो को पसंद करते हो, इसीलिए तुम्हें उन लेडीजों का आई लव यू बोलना पसंद नहीं है। यह सब बकवास है, मैं मेंस को पसंद नहीं करता। मुझे मेंस पसंद नहीं है। तुम्हें मेंस को पसंद करने की ज़रूरत भी नहीं है, एक ही काफ़ी है। अरे ये तुम क्या कह रही हो? जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम हमेशा ईवो या बॉब के बारे में बातें करते रहते हो, वह दोनों भी तो मैन हैं। और तुमने मुझे बताया था बॉब ने तुम्हें किस किया और तुम्हें बहुत पसंद आया था, तो मुझे लगता है तुम मेंस को पसंद करते हो, तुम मेंस की तरफ आकर्षित हो। तुम बॉब या ईवो को पसंद करते हो तो तुम्हें अपने इन विचारों के साथ कंफर्टेबल रहना चाहिए कि आप मेंस को पसंद करते हो। हाँ ठीक है, बॉब के बारे में सही है, मैं अभी भी उसके किस को याद करता हूँ मुझे नहीं पता, शायद मुझे बॉब से प्यार हो गया है, लेकिन अब मैं ईवो के बारे में सोच रहा हूँ। यार मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मे बी अगर मैं सीधा सोचूं तो मैं अपनी फीलिंग को किस तरह मैनेज करूं? मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा है कि मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूं। क्या यह सब एक बार में सही नहीं हो सकता? मेरी दो जॉब हाइक्वान के प्राइवेट लेसन बॉब के बारे में कभी ना ख़त्म होने वाली बातें। क्यों, मैं ईवो को एक अलग रोशनी में देखता हूं। अपनी सैलरी की चिंता, क्या मैं सबके बिल चुका पाऊँगा, क्या मैं पैसे बचा पाऊँगा, मेरी फैमिली भी मुझे कुछ करते हुए देखना चाहती है। और एक और समस्या मेरे सामने आ गई है, मैं यू से कैसे कहूँ कि मैं ईवो के साथ लंच पर जा रहा हूँ? मैं ईवो के साथ लंच को भी पोस्टपोन नहीं कर सकता और यू को भी नहीं बता सकता, मैं एक ही समय दोनों के साथ लंच पर कैसे जा सकता हूँ? तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, तुम ईवो को लॉन्च में ले जाओ, वहाँ कोई नहीं आता, और फिर यू के साथ बातें कर लेना, उसके बाद ईवो के साथ लंच करना, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने प्लानिंग किया था। यह आइडिया बुरा नहीं था, यू लंच ब्रेक के समय से पहले ही आ गई, मुझे इस बात की खुशी थी। मैं उसे ऑफिस में ले गया, इससे पहले मैं कुछ कहता उसने कहा, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं तुम्हें बताना चाहती थी मगर बता नहीं पाई, मैं जानती हूँ हमारा कुछ समय पहले ही ब्रेकअप हुआ है। इट्स ओके, मैं भी तुमसे मिलना चाहता था क्योंकि मैं भी तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें यह सब पहले ही बता देना चाहता था कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है। आई एम सॉरी जान, मेरा मतलब तुम्हें धोखा देने का नहीं था, मैंने तुमसे पहले ही कहा है। इट्स ओके, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, यह मेरी ही गलती थी कि मैंने इतना समय लगाया। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, लेकिन मेरे मन में किसी के लिए फीलिंग है। क्या कोई ऐसा जिसे मैं जानती हूँ? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे अच्छे भविष्य की कामना करती हूँ। थैंक यू, मैं भी तुम्हारे अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। मुझे लगा था वह ब्रेकअप से पहले कोई सीन क्रिएट करेगी, लेकिन लगता है आज मेरी किस्मत मेरे साथ है, तो अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। चलिए ईवो के साथ लंच डेट पर। तो चलिए दोस्तों, आज का पार्ट मैं ही ख़त्म करती हूँ। आज का पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।